राजधानी देहरादून में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। बता दें कि दून पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर शराबियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 1800 से ज्यादा चालान किए गए हैं। साथ ही इनमें 5 लाख से ज्यादा धनराशि अब तक वसूली गई है। इसके तहत ही SSP अजय सिंह ने तमाम चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि शराबियों के साथ ही शरारती तत्वों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दून शहर का माहौल खराब ना हो सके। साथ ही लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, चूंकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान है चिन्हित जहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं, और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है, टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके हैं जहाँ पर शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो जिस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा।